दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आपके साथ नैंसी। भाई, बॉलीवुड के बादशाह और गौरी खान यानी कि शाहरुख और गौरी का जिक्र आज हम इस बेहद ही खास प्रोग्राम में करेंगे। भाई, ये इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम बन चुके हैं जिससे मानो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शाहरुख खान और गौरी का जो रिश्ता है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड है कभी भी इनके रिश्ते में दरार पड़ रही है, इनके रिश्तों में चीजें खराब हो रही हैं, ऐसा कभी भी सोशल मीडिया पर देखने को नहीं मिला। मगर अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि चार दीवारी के अंदर की बातें जो हैं, जब तक खुद से कोई अपनी जुबानी नहीं बताता तब तक चार दीवारी के अंदर क्या हो रहा है किसे पता। तो ऐसा ही कुछ हुआ है बादशाह के साथ, जहां पर शाहरुख खान खुद एक इंटरव्यू के दौरान ये बताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आखिरकार उनका और गौरी का रिश्ता मन्नत यानी कि उनके घर की चार दीवारों के अंदर कैसा है। क्या ये रिश्ता इतना खूबसूरत है जो सोशल मीडिया पर पेपराजी के सामने देखा जाता है, या पीछे की कहानी कुछ और है? क्या है पूरी रिपोर्ट, देखिए हमारी ये बेहद ही खास पेशकश। हेलो हेलो हेलो, वी विल स्टार्ट। बॉलीवुड का सुपरस्टार शाहरुख खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म डेंकी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच भी काफी जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। आपको जानकारी दे दे कि भाई कहीं ना कहीं शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल और बोमी ईरानी अभिनेत्री बहुप्रतीक्षा कॉमेडी ड्रामा फिल्म डेंकी 21 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। राजकुमार हिरानी के निर्देश में बन रही इस फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं शाहरुख खान ने एक ही साल में दो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में दे दी हैं। पठान की वापसी हुई और जवान ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट धाक जमा ली। अब एक्टर इस साल की अपनी आखिरी रिलीज डंकी के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने को तैयार हैं। इसी बीच हम आपको शाहरुख खान और गौरी का एक पुराना किस्सा बताने जा रहे हैं, जब किंग खान ने अपनी ही पत्नी को आस्तीन का सांप बता दिया था। जी हाँ, दरअसल ये किस्सा साल 2016 का है, जब शाहरुख खान रजत शर्मा के शो आपकी अदालत का हिस्सा बने थे। इस दौरान उन पर इल्जाम लगाया गया था कि उन्हें बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है। रजत शर्मा ने एक एक्टर से कहा था कि आपके साथ जो भी काम करता है वो कहता है कि किंग खान तो बहुत कूल हैं, उन्हें कभी हमने आपा खोता हुआ नहीं देखा, वो कभी गुस्सा नहीं करते। मगर अगर बात की जाए आपकी पत्नी की तो वो कहती हैं कि वो बहुत जल्दी आपा खो देते हैं। दरअसल हाल ही में वानखेड़े स्टेडियम में जो भी घटना हुई थी उसके बारे में गौरी से पूछा गया था। इस पर रिएक्ट करते हुए गौरी ने कहा कि जब शाहरुख खान घर आए तो मैंने उनसे कहा था कि तुम अपना आपा मत खोया करो। किंग खान इस पर जवाब देते हुए कहते हैं, पता नहीं उसने कब ये स्टेटमेंट पब्लिक पर दे दिया, ये तो वही बात हो गई कि मेरे घर तले आस्तीन का सांप पल रहा है। पहले ही प्रेस वाले इतना कुछ पता कर लेते हैं और बीवी बताने लग गई है। बता दें कि शाहरुख खान की डंकी पूरे दुनिया में धमाल मचाने के लिए तैयार हो चुकी है। चौथा और आखिरी ड्रॉप जो 6 दिसंबर 2023 को रिलीज हुआ था, चौथे ड्रॉप में पहले 24 घंटे में विभिन्न प्लेटफॉर्म पर 103 मिलियन से अधिक यूजर के साथ भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला हिंदी ट्रेलर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो वहीं फिल्म डंकी को लेकर विदेशों में भी काफी उत्सुकता देखी जा रही है। डंकी की अंडर पैच, डंकी की एडवांस बुकिंग यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई, सऊदी अरब, सिंगापुर, मलेशिया और अन्य सहित अंतरराष्ट्रीय बाजारों में होना शुरू हो गई है। तो वहीं यहां पर आपने देखा कि किस तरीके से खुद शाहरुख खान हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार हमारे घर के चार दीवारों की बातें गौरी कैसे कह सकती है पब्लिकली। उन्होंने कहीं ना कहीं साफ तौर पर फिर कह ही दिया कि भाई ये तो वही बात हो गई कि मैं अपने घर पे आस्तीन के सांप को पाल रहा हूँ। अब यकीनन ही गौरी भी इस स्टेटमेंट को कैसे लेगी, खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये एक स्टेटमेंट हालांकि एक मजाक के तौर पर दी गई है, मगर अब गौरी और
शाहरुख के रिश्तों से मानो ऐसा लगता है कि कई बारी जब दोनों ही स्टेटमेंट दे देते हैं तो दोनों को पता नहीं होता कि कोई एक दूजे के बारे में वो क्या कह रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि गौरी और शाहरुख का जो रिश्ता है वो सोशल मीडिया से लेकर जो है पूरे बॉलीवुड जगत में सुर्खियों का कारण बना रहता है। देखा आपने हमारी बेहद ही खूबसूरत पेशकश में, जहां पर हमने आपको दिखाया कि आखिरकार क्या है शाहरुख खान और गौरी के रिश्ते का सच, आखिरकार क्या चार दीवारी के अंदर गौरी शाहरुख पर अपना राज चलाती हैं। पर ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आप भी एक शादीशुदा जिंदगी में हैं तो कहीं ना कहीं भले ही पति जो है वो बादशाह हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, घर के अंदर जो प्रेसिडेंट है, जो बादशाह है, जो क्वीन है, वो कोई और नहीं, आपकी पत्नी ही है। अब ऐसे में आपने देखा कि खुद शाहरुख जो है कहीं ना कहीं ये बात कहते हुए भी दिखाई दिए हैं कि भाई घर के अंदर वो तमाम चीज़ों पर रोक टोक करती हैं, वो तमाम बातें कहती हैं। हालांकि शाहरुख और गौरी का जो रिश्ता है वो कोई ऐसा नहीं है कि जो काफ़ी शाहरुख अमीर थे तब उन्होंने गौरी से शादी की, नहीं, गौरी ने शाहरुख का हाथ तब थामा था जब शाहरुख के पास कुछ भी नहीं था और शाहरुख जो है स्ट्रगल कर रहे थे। बताया तो ये भी जाता है कि भाई शाहरुख खान की जिंदगी में जब गौरी आई थी तब गौरी उनसे ज़्यादा अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, मगर कहते हैं ना कि अगर प्यार सच्चा है तो वो ना तो धर्म, ना ही जात और ना ही अमीरी गरीबी देखता है। कुछ ऐसा ही गौरी और शाहरुख की कहानी में भी है। और आज आप देखिए बॉलीवुड इंडस्ट्री के, आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जो एक रईस कपल में आते हैं वो शाहरुख और गौरी हैं। इनका प्यार, इनको खूब तरक्की और खूब जो है इन्होंने ग्रो किया, एक अच्छा लाइफस्टाइल अपना मेंटेन किया और आज इंडस्ट्री के एक रईस ज़ादों में से उनका नाम आता है। तो घर में थोड़ी नोक झोंक तो चलती रहती ही है। और जो है क्या कुछ है आपकी राय शाहरुख और गौरी के रिश्ते को लेकर, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैं चली, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। बाय बाय।